So without any further ado, let's invite Mr. Indro. बुलाते हैं उनको from TSM. इंद्रो भाई कैसे हो आप, कैसा लग रहा है यार? Finally, देर आए दुरुस्त आए, but आज के दिन बहुत ही अच्छा performance. First, congratulations. आज के दिन कैसा, मतलब क्या अलग करा आपने पिछले दिनों से? हम लोग बहुत पीछे चल रहे थे एक्चुअली, स्टार्टिंग बहुत खराब हुआ था हम लोग का, तो जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा तो बस जो अपना जो अपना फायर पावर है वो आज पेश कर दिए एंड सक्सेसफुल रहे. बहुत सारे किल्स पॉइंट निकाले हम लोग. प्लेसमेंट पॉइंट की तरफ ध्यान उत्साह नहीं था, लेकिन किल्स हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी था आज के. जितने ज्यादा हो सके किल्स निकालेंगे एंड उसके साथ साथ प्लेसमेंट पॉइंट भी आ गए हमारे पास. कुछ बोया था, कुछ मैचेस जो हम लोगों ने मिस किए उसके ऊपर आगे वर्कआउट करेंगे एंड उस चीज को कोशिश करेंगे कि आने वाले मैचेस पे वो जिसमें सेकेंड आ रहे या थर्ड आ रहे उसको बोया पे कन्वर्ट कर दे. देखिए बहुत इस तरीके से आपने जवाब भी दिया अहिल भाई. रुकिए जरा, आई नो आपके पास बहुत सारे सवाल है, बट उससे पहले मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ इंद्र भाई, कि मैंने पहले भी बात करा कि आप लोग जो पूरी स्क्वाड है वो बहुत पहले से खेलती आई है, बट अब क्या चेंजेस आए एक और के अंडर, क्या प्रेशर है आप पे, बिकॉज एक TSM बहुत बड़ी ऑर्ग है. आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हाउ डज इट फील टू प्ले अंडर सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जब सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा रहा है, जब टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि TSM हमारी टीम ये चीज पहली बार फेस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग बॉटम ऑफ द टेबल रहा है, पहले कभी थे नहीं, तो थोड़ा सा प्रेशर तो हर जगह से आते ही है एंड वो चीज को एक अच्छा स्पोर्ट्समैन उस चीज को कैसे फील करता है, मतलब अपने गेम प्ले के ऊपर आने नहीं देना है. वही चीज मैं कोशिश कर रहा था कि ये मेरे गेम को इफेक्ट ना करे. प्रेशर है ऑब्वियसली, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना भी एक आना चाहिए, तो वही चीज हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि प्रेशर को हैंडल करे एंड बस आज ऐसा था कि बस मारो और कुछ नहीं करना. प्रेशर को हैंडल करना एक कला है एंड कला इंद्रो भाई से सीखे. अहिल भाई आप पूछिए. यार देखिए मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हम बखूबी स्टार्टिंग से इंद्रो भाई या फिर हमारी पूरी TSM का गेम देखते हुए आ रहे हैं. स्टार्टिंग वीक में नो डाउट काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन स्टिल आप ऑब्वियसली आप लोग खेल रहे थे, तो आपने क्या कुछ ऐसा फील किया? क्योंकि देखिए आज का दिन नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन इससे पहले भी जो दिन हमने खेला था लाइक TSM ने जो खेला था उसमें भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन आज के दिन लाइक क्या कुछ आपने इम्प्रूवमेंट करी? क्योंकि पिछले मैच में और आज के मैच में तो भाई नेक्स्ट लेवल, लाइक अलग ही मुकाम दिख रहा था TSM की तरफ से. कोऑर्डिनेशन चीज जो है वो बैठ नहीं रहा था, कुछ रोल्स हम लोगों ने चेंज किए, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट टीम के बीच में हुए. स्नाइपर का रोल चेंज हुआ, रशिंग मैं रश में आ गया, अभी रशिंग मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं. जो फ्रंट लाइन थे वो बैक में आ गए, बैक से खेल रहे थे सपोर्ट दे रहे थे वो अभी रशिंग का काम कर रहे, तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किए एंड देन आज रिजल्ट पॉजिटिव आया. Obviously, ये तो दिखाई दे भी रहा है कि बहुत रिजल्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आया. एंड यस अब देखिए सिर्फ और सिर्फ फैब भाई एक ही मैच बचा हुआ है यहाँ पे, लाइक एक वीक में बेसिकली यहाँ पर कह सकता हूँ, तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्रिपरेशन रहेगी या फिर क्या कुछ उम्मीदें रखें? क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर यहाँ पर बूस्टअप होगा. पहले भी नॉर्मली जैसे आपको पता ही है यार, हम लोग बखूबी जानते हैं कि जो हमारे कैप्टन है स्पेशली फैब भाई हैं, वो बहुत ज्यादा लाइक काम रहते हैं, उनको पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है. और बड़े बड़े टूर्नामेंट है जैसे इन्होंने खुद बोला कि भाई जिस लेवल पे अभी फिलहाल हमारी टीम चल रही थी वो लेवल कभी हम लोगों को देखने को मौका नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिन के लिए स्पेशली क्या कुछ इम्प्रूव करने वाले हो? क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ एक वीक बचा है. हम लोगों ने पहले तो परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन गया था हम लोग का, तो हम लोग वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, जो जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं वो गलत साबित हुआ, लेकिन फिलहाल अभी जो फॉर्म में टीम चल रहा है जैसे आज का मैच गया, तो इसी चीज़ को हम लोग आगे नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करना चाहेंगे. एंड कुछ चीज़ें जहाँ पे जैसे मैं पहले बोला कि जहाँ पे हम लोग का बोया आने का पूरा चांसेस था, जहाँ पे हम लोगों ने बोया खो दिए, थोड़ा सा बिखर गए लास्ट के जोन में आके, वो चीज़ को हम लोग को थोड़ा सा वर्कआउट करना है उसके ऊपर एंड हम लोग और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में आए. जाने से पहले मैं यार एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. आई नो आपका रोस्टर है, आप कैप्टन हो, आप पूरे के पूरे इंचार्ज हो, बट एमेड्रॉन और इल्यूमिनाटी का क्या यहाँ पर पूरा तालमेल है? बिकॉज एक गेम में एमेड्रॉन खेलते हैं, दूसरे गेम में इल्यूमिनाटी खेलते हैं. इज इट समवर्ड मैप बेस्ड? मैप बेस्ड भी कह सकते हो आप, लेकिन किसी किसी जगह पे मेरे को जहाँ पे डबल स्नाइपर की जरूरत होता है वहाँ पे मैं एमेड्रॉन को रखता हूँ. जब मेरे को शॉर्ट रेंज वाला, मेरे को इस गेम में ज्यादा से ज्यादा किल्स निकालना है,
शॉर्ट रेंज वेपन, इसलिए मैं डबल वेक्टर के हिसाब से इल्यूमिनाटी को प्रेफर करता हूँ, तो उनको बुला लेता हूँ। एंड स्किल्स तो सबके पास है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो फॉर्म होता है। एंड मेरे हिसाब से फॉर्म में जो प्लेयर है वो आपको ज्यादा से ज्यादा किल्स पॉइंट दिला सकता है। तो इस वजह से मैं कभी कभी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, किसी प्लेयर को चेंज या फिर पीछे रहना या फिर किसी को ड्रॉप करना, वो चीज करते रहता है। अल्टीमेटली टीम का इसमें फायदा होना चाहिए, और अगर वो चीज हुआ तो प्लस पॉइंट। Very good answers as well. Before we sign off, do you have anything to say to your fans, Indra bhai? Because up there, fan base aapki matlab bahut hi zyada badh chuki hai compared to before. If you have anything to say, this is the time. बस जैसा सपोर्ट करते आए हो वैसे सपोर्ट करो। हम लोग आप लोग को डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा फॉर्म अप डाउन होता रहता है टीम का, तो इस बार भी हुआ था, लेकिन जैसे कि कहा था कमबैक करेंगे, कर दिए। तो बस सपोर्ट करते रहो TSM को, सपोर्ट करते रहो TSM को एंड बाकी सारी टीम्स को भी। Ladies and gentlemen, this is going to be us and we are going to sign off because aaj ka din yahan pe samapt ho jayega. Free Fire India Championship Fall 2021 Week 2 Day 6 yahi pe samapt hota hai, but aur bhi din baki hai. Aap log calendars pe mark kar lo, 1st 2nd 3rd October ko hum log fir se milenge Week 3 ke andar, league stage ke andar. Do not go anywhere and wahi baat hoti hai yaar ki bas hum log aap se apekshaye rahe hain ki agle hafte milenge. Tab tak ke liye it's going to be all of us signing off.